hope you all are doing well. And also I am thankful to you people कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं और आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं. वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू आप लोगों के ही कहने पे आज मैंने पोइट्री सेक्शन की ही एक पोइम ली है जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी. ये एक बहुत ही छोटी सी और बहुत ही प्यारी सी पोइम है. ये एक 5-6 लाइंस की पोइम है जिसमें पोइट ने बहुत कुछ कह दिया है. तो बेटा आज ये जो स्नो ड्रॉप पोएम है सबसे पहले मैं इसकी समरी नरेट करूंगी आपके सामने. उसके बाद हम लाइन वाइज लाइन मतलब एक एक लाइन का मीनिंग मैं आपको समझाऊंगी. तो बेटा इस पोएम स्नो ड्रॉप इज रिटन बाय टेड हग्स. टेड हग्स वॉज द सन ऑफ अ वॉर हीरो. जो टेड हग्स थे उनके फादर भी जो थे वो एक वॉर हीरो थे यानी कि उन्होंने एक युद्ध लड़ा हुआ था. तो दैट हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन द माइंड ऑफ टेड हग्स क्योंकि बिकॉज ही नोज द बैड इम्पैक्ट्स ऑफ वॉर. टेड हग्स जो थे उनको पता था कि उनके दिमाग पे उस युद्ध का इतना प्रभाव था 1930 में वो पैदा हुए थे कि वो बिल्कुल डर चुके थे क्योंकि वो जानते थे कि वॉर्स हैव डिवाइडेड मेनी नेशंस एंड द ग्लोरी ऑफ अ कंट्री और अ नेशन कैन नॉट बी रेक्टिफाइड और अ नेशन कैन नेवर बैक रीगेन इट्स ग्लोरी आफ्टर अ वॉर. कि एक युद्ध के बाद कोई भी देश वापस अपनी वो जो चमक धमक है वो हासिल नहीं कर पाता. ये किसका कहना था? टेड हग्स का. उनका कहना था. जो उनकी पोइट्री है वो इन्हीं सब चीजों का एक्सप्रेशन है. बट ही लव एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑल्सो. वो उन्हें भी बहुत प्यार करते थे. तो जो ये पोएम है स्नो ड्रॉप ये भी नेचर पे एक नेचर पे उसने जो क्रूशियल जो बड़ा ऐसे उसका क्रूशियल चेहरा है प्रकृति का नेचर का वो इस पोएम में पोइट ने हमें दिखाया है. कब का? जब सर्दी अपने पूरे जोर पे होती है भरपूर सर्दी होती है और उस सर्दी में सब क्रिएचर्स का क्या हाल होता है स्पेशली एनिमल्स एंड प्लांट्स का वो इस पोइम में पोइट ने डिस्कस किया है. यहां पे जो पोइट है वो कहते हैं कि इतनी सर्दी है इतनी ज्यादा सर्दी है कि पेड़ पौधों ने जानवरों ने इवन वीजल और क्रो इसमें दो नाम दिए गए हैं. वीजल एंड क्रो वो एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं. वीजल जो एक मैमल है वीजल एक मैमल होता है. मैं आपको जब पोएम पढ़ूंगी फिर मैं आपको बताऊंगी उसका पूरा मतलब. वो भी मोशनलेस हो गए हैं किसके कारण? बहुत ज्यादा सर्दी के कारण. और वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं. इतनी ज्यादा सर्दी है कि वो इस तरह हो गए हैं जिस तरह की ब्रास क्या होता है एक मटेरियल है वो भी हैवी होता है जिसके बर्तन भी होते हैं तो वो एक जिस तरह वो भारी होता है इस तरह वो भारी हो गए हैं कि उनसे चला भी नहीं जा रहा है. किसकी वजह से? किसकी वजह से? ठंड की वजह से. सारी क्रिएचर्स जो हैं छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं सब ग्राउंड पे डेड पड़े हैं बिकॉज ऑफ चिल्ड विंटर बहुत ज्यादा सर्दी के कारण. और उन्हीं के बीच में एक छोटा सा नन्ना सा प्लांट है जिसका नाम है स्नो ड्रॉप. वो खड़ा है और बड़ी हिम्मत के साथ खड़ा है और उसका सर एक साइड को झुका हुआ है. पीले फूल हैं और उसका सर एक साइड को झुका हुआ है और ये उस सर्दी का मुकाबला कर रहा है. उस सर्दी का मुकाबला करते हुए अपने आप को उसने खड़े रखा है. इसको मेटामॉर्फिकली यूज किया गया है कि स्नो ड्रॉप ऐसे खड़ा है उस सर्दी का मुकाबला कर रहा है. हालांकि ये छोटा सा प्लांट है लेकिन फिर भी इतनी भारी सर्दी जहां पे सारे जीव जंतु जो है वो मर रहे हैं लेकिन ये छोटा सा पौधा खड़ा हुआ है और खड़ा होके क्या शो कर रहा है कि मैं इस सर्दी का मुकाबला करूंगा और मैं हिम्मत नहीं हारूंगा. इनडायरेक्टली क्या मीनिंग हुआ कि
छोटा मतलब कहने का मतलब है कि छोटे से छोटा इंसान भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकता है अगर वो चाहे तो। ठीक है बच्चे, ये इसकी समरी थी। अब मैं ये पोएम रीड करूंगी, वर्ड टू वर्ड मीनिंग आपको बताऊंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस पोएम में जो हर्ब्स है, ही रिप्रेजेंट्स अ वेरी टफ इमेज ऑफ नेचर एंड वेरी क्रूअल इमेज ऑफ नेचर इस पोएम में। ठीक है, अब आपकी जो ये बुक है ट्यूलिप सीरीज, इसको रीड तो करना पड़ेगा, रीडिंग के बगैर तो इसका मीनिंग तो पता नहीं चलेगा आपको। ठीक है, नाउ द फर्स्ट लाइन, नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट, पहली लाइन है ना, ग्लोब श्रंक टाइट राउंड द माउस डल्ड विंटरिंग हार्ट। अब यहां पे ग्लोब किसके लिए यूज किया गया है, श्रंक टाइट माने श्रंक होता है सिकुड़ना, टाइट होता है कम होना। यहां पे कहा गया है कि जो ग्लोब है वो भी सिकुड़ के छोटा सा हो गया है, लेकिन ग्लोब किसको कहा गया है, स्नोड्रॉप को, क्योंकि जो स्नोड्रॉप का पौधा है वो गोल शेप का होता है और ग्लोब भी गोल शेप का होता है। तो मेटामॉर्फिकली जो स्नोड्रॉप इज यूज्ड एज ग्लोब ड्यू टू इट्स राउंडनेस, जो स्नोड्रॉप को राउंडनेस का की वजह से उसको ग्लोब कहा गया है। तो यहां पे पोएट कहता है कि अब जो ग्लोब है बिल्कुल सिकुड़ के छोटा सा हो गया है, कौन, पौधा स्नोड्रॉप का। राउंड द माउस डल विंटरिंग हार्ट, माउस क्या होता है, चूहिया, और उसके साथ ही साथ जो चूहिया है डल्ड, उनका भी जो हार्ट है वो उनके हार्ट छोटे मतलब बहुत कमजोर दिल के होती हैं, उनके जो दिल है वो भी फिक्के पड़ गए हैं, इसकी वजह से, विंटर की वजह से, विंटरिंग ड्यू टू हार्ड एंड चिल्ड विंटर, मतलब कि बहुत ज्यादा सर्दी के कारण जो छोटे छोटे चूहे हैं वो भी अपना जो दिल है उनके बंद हो रहे हैं इनडायरेक्टली, कि वो मर रहे हैं। वीजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, वीजल एंड क्रो मैंने आपको बताया कि जो वीजल है इज अ स्मॉल मैमल, एक छोटा सा मैमल है, यानी एक जंतु है जो एक फर मतलब पूरा उसकी फर जैसी बॉडी होती है, वो कैसे गुजारा करता है, बाकी जानवरों को मारकर खाकर वो अपना गुजारा करता है, और हम हिंदी में कहीं ना कहीं उसको नेवला भी बोल सकते हैं। एंड क्रो तो आप सब जानते ही हैं, कौवे यानी बर्ड्स, वीजल एंड क्रो, एक वीजल और क्रो का नाम लेके उन्होंने पूरी जितनी भी मतलब बर्ड्स और जो मैमल सब इसमें बीच में लिया है कि वो भी ऐसे हो गए हैं एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, इतना उनका शरीर भारी हो गए हैं सर्दी के कारण, दैट दे हैव बिकम मोशनलेस, दे कांट मूव, मतलब वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे हैं, जैसा कि ब्रास वो मटेरियल जो काफी हैवी होता है वो उस तरह हो गए हैं। नॉट इन देयर राइट माइंड्स, मतलब वो अपनी प्रॉपर पोजीशन में नहीं है, वो वहां से हिल नहीं पा रही है, दे हैव बिकम मोशनलेस, किसकी वजह से, ड्यू टू चिल विंटर। विद द अदर डिटेल्स, विद द अदर डेथ्स, शी टू परस्यूज हर एंड्स, विद द अदर डेथ्स, अदर डेथ्स माने सब चीजें, छोटे छोटे स्मॉल क्रिएचर्स आर लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड, अदर डेथ्स में सारी डेथ्स आ गई, चाहे वो प्लांट्स की हैं, चाहे वो एनिमल्स की हैं, चाहे वो स्मॉल क्रिएचर्स जो ग्राउंड में हैं। विद अदर डेथ शी टू परस्यूज हर एंड्स, यहां पे शी किसके लिए कहा गया है, शी रेफर्स टू नेचर, नेचर, शी टू परस्यूज हर एंड्स मतलब कि नेचर ऑल्सो नोज हाउ टू अचीव इट्स गोल्स, यहां पे शी नेचर के लिए यूज किया गया है। ब्रूटल एज द स्टार ऑफ दिस मंथ, जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो हमें स्टार्स तो दिखते नहीं है, मतलब वो भी दिखना मुश्किल हो जाते हैं,
तो वो भी नेचर भी इतनी ब्रूटल इतनी क्रूर हो गई है, जैसे कि वो स्टार्स जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, एंड हर पेल हेड हैवी एज मेटल। हर हर किसके लिए यूज किया गया है? स्नोड्रॉप के लिए। स्नोड्रॉप हर हेड, स्नोड्रॉप जो है एक प्लांट है जिसका जो फूल है वो पीले रंग का होता है, तो यहां पे उसको बोला गया है कि हर पेल हेड हैवी एज मेटल। वो अपना सर, उसका सर्दी के मारे यानी जो फूल है वो ऐसे करके झुक गया है, मुरझा, जैसे फूल जब मुरझाते हैं तो वो ऐसे डाउन हो जाते हैं। तो वो पोइट बोल रहा है कि वो भी उसका जो हेड है वो भी ऐसे भारी हो गया है जैसे कि मेटल है, बट स्टिल द प्लांट इज स्टैंडिंग, फिर भी वो खड़ा है, वो खड़ा है कि मैं क्या करूंगा, इस सर्दी का मुकाबला करूंगा। बस दैट्स ऑल, इतनी सी पोएम है। और इसका जो, अगर आपको मैं बोलूं कि आप इसका मॉरल निकालो, जैसे हम बच्चों को कहानियां सुनाते हैं तो हम बोलते हैं कि इसका क्या मॉरल हुआ, सीधी सी बात है, इसका मॉरल वही हुआ जो मैंने आपको इसकी समरी में बताया कि छोटी से छोटी चीज भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकती है अगर वो चाहे तो। ठीक है बेटा, अब रही ये थी आपकी पॉइंट, अब रही आपके होम टास्क की बात। ग्लॉसरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको पहले ही पॉइंट में बता दिया कि ग्लोब, यहां पे इस पॉइंट में स्नोड्रॉप इज यूज्ड एज ग्लोब मेटामॉर्फिकली ड्यू टू इट्स राउंडनेस, डल विंटरिंग हार्ट, सीवियर विंटर, बहुत ज्यादा सर्दी। विजल इज अ स्मॉल मैमल एंड शी टू परस्यूज हर एंड्स, नेचर नोज हाउ टू अचीव इट्स गोल्स। तो वो तो है ही इंपॉर्टेंट, और बाकी यहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस पोएम में, अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज इमेजेस। इमेजेस आपको मैंने पिछली पोएम में भी बताई थी कि इमेजेस क्या होती हैं। जैसे अगर आपको दिया गया है नेचर में कौन कौन सी इमेजेस आपने पढ़ी हैं यहाँ पे, तो वो माउस एंड विजल, उसके आगे इसी तरह यूनिवर्स, यूनिवर्सल इमेजेस कौन कौन सी है इसमें, तो वो है एक तो आ गई आपकी ग्लोब, तो दूसरा बाकी आप खुद इसमें से चूज करेंगे कि यूनिवर्सल इमेजेस, मेटल इमेजेस। तो ठीक है, तो बच्चे आपका जो होमवर्क है वो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप वहां से देख लेंगे। और तो बाकी ये जो क्वेश्चंस हैं इसके, ये भी आपको, अगर मैंने आपको समरी बताई है, अगर आपने मेरी समरी को समझा है, तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को करने में कैपेबल होंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ हैज नेचर श्रंक द ग्लोब, आपने समझा हाउ हैज नेचर श्रंक द ग्लोब, सीधी सी बात है, मैं शुरू से एंड तक इसमें एक ही बात बार बार बोले जा रही हूं, सर्दी सर्दी सर्दी। आपने गेस किया कि नेचर ने ग्लोब को कैसे सिकुड़ा दिया, किसकी वजह से? सर्दी की वजह से। अब आप उसको करेंगे खुद ही, ठीक है बेटा। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही मॉरल वैल्यूज वाली पॉइंट थी ये, तो बाकी बहुत ही अच्छे रेस्पॉन्स मिल रहे हैं मुझे आपके, आप मुझे देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आई एम वंस अगेन वेरी थैंकफुल टू यू ऑल ऑफ यू। तो अगर आपको मेरे से कुछ और हेल्प चाहिए होगी तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। तो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।